बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इमरान उमर और आप देख रहे हैं इमरान उमर यूट्यूब चैनल। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही स्पेशल मटन हांडी की रेसिपी लेके आया हूं। आज हम इसको बनाएंगे बहुत ही ख़ास तरीके से, वो भी मिट्टी की हांडी में। तो आगे जाके मैं आपको बताऊँगा कि हम इसको मिट्टी की हांडी में क्यों बनाएँगे। तो चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले देखें कितनी खूबसूरत मेरे पास मिट्टी की हांडी है। मेरे पास 1 kg मतलब 1 किलो मटन, जिसको मैंने अच्छी तरह धो लिया था। और कोशिश करें कि जब भी आप मटन, बीफ, चिकन लें तो बिल्कुल फ्रेश वाला लें। इसको ऐड कर देंगे हम लोग प्यारी सी हांडी में। अगली चीज़ इसमें जाएगी 2 मीडियम साइज़ के प्याज, बिल्कुल बारीक कटे हुए, ये ऐड कर देंगे। और अगली चीज़ इसमें जाएगी टमाटर, 2 अदद बिल्कुल रेड कलर के, खूबसूरत से रेड कलर के टमाटर इस्तेमाल किया करें, कच्चे टमाटर से ज़्यादा टेस्ट होता है इनमें। और यहाँ पे ऐड कर देंगे बिल्कुल बारीक कटा हुआ फ्रेश वाला अदरक लहसुन का पेस्ट। यहाँ पे ऐड करेंगे सब्ज़ मिर्चियाँ, 3 से 4 अदद काट लिया था इनको मैंने बारीक, ये ऐड कर देंगे। और ये हैं 2 अदद छोटी इलायची, सब्ज़ इलायची भी इनको बोलते हैं, टेस्ट के लिए, फ्लेवर के लिए ये जाएंगी इसमें। 3 अदद बड़ी इलायची इसमें ऐड करेंगे, इनसे क्या होगा कि गोश्त की स्मेल होती है ना, इनको वो दूर करेगी, रिजॉल्व करेगी और गोश्त की स्मेल बिल्कुल भी नहीं आएगी खाने में। अब ऐड करेंगे पाउडर मसाले। सबसे पहले लाल मिर्च का पाउडर जाएगा तकरीबन 1/2 टेबल स्पून। 1 टीस्पून भर के इसमें ऐड कर देंगे हल्दी पाउडर। 1 टीस्पून इसमें ऐड कर देंगे चिली फ्लेक्स, कुटी हुई लाल मिर्च, बहुत ही प्यारा टेस्ट, बहुत ही प्यारी खुशबू के लिए। बिल्कुल बारीक कुटा हुआ घर का गरम मसाला ऐड करेंगे, 1 टीस्पून ये भी काफ़ी होगा। यहाँ पे ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून भर के इसमें सफ़ेद ज़ीरे का। 1 से 1.5 गिलास में पानी ऐड कर देंगे। इसके ऊपर कवर लगा देंगे। देखिए कितना प्यारा मिट्टी का ढक्कन है। और इसको आपने पकने देना है तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए। मिट्टी की हांडी है तो स्पेशल इसमें बनेगा, आपको पता है कि मिट्टी की हांडी की तह थोड़ी मोटी होती है। आस्ता आस्ता इसको पकाएंगे हम लोग बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पे। बनिस्बत कुकर के से ज़्यादा टाइम थोड़ा सा लेगा और ज़्यादा मज़े का बनेगा ये हमारा सालन। बहुत ही प्यारी हांडी को हमने चढ़ा दिया चूल्हे पर और नीचे आग का फ्लेम कर दिया हमने लो टू मीडियम। इसको पकने देते हैं आहिस्ता आहिस्ता। यहाँ पे 10 से 15 मिनट हो गए, एक दफ़ा चेक कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जो खुशबू आई ना मिट्टी की हांडी में, आपको बता नहीं सकता। एक दफ़ा अच्छी तरह हम इसको मिक्स कर देंगे। कुकर की बनिस्बत मैंने आपको बताया ये थोड़ा टाइम ज़्यादा लेगी हमारी रेसिपी, मगर जो इस बनेगी रिज़ल्ट आपके सामने होंगे, आप मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा। दोस्तों चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये आपकी तरफ से हमें प्यार होता है, मोहब्बत होती है, हम कैसा काम कर रहे हैं। और ये बिल्कुल फ्री होता है, इसमें कोई पैसे नहीं लगते। यहाँ पर मज़ीद अब लोग हम इसको पकाएंगे तकरीबन 20 से 25 मिनट लेंगे। कवर लगा देंगे और इसको पकने देंगे बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पे। तो ले जी, यहाँ पे हमें हो गया है 25 मिनट पकाते हुए। आप देख सकते हैं पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो गया है। एक दफ़ा अच्छी तरह यहाँ पे इसकी मिक्सिंग करेंगे। यहाँ पे इस पानी को आपने खुश्क करना और इस स्टेज पर आपने इसमें ऐड कर देना 1 कप कुकिंग ऑयल। और आपने यहाँ पर इसकी अच्छी तरह बुनाई करनी। आपका फ्लेम अब आपने नीचे फुल हाई कर देना, आपको पता है कि बुनाई हमेशा फुल फ्लेम पे होती है। आप देख सकते हैं पानी काफ़ी खुश्क हो गया, आयल ऊपर आना शुरू हो गया। यहाँ पे इसमें ऐड कर देंगे बिल्कुल फ्रेश दही, जिसको अच्छी तरह फेंट लिया था। ये तो टेस्ट बहुत क्रीमी कर देगा, दूसरा चिकन सॉरी इसका मटन का बहुत प्यारा कलर आएगा। यहाँ पर आपने दही का पानी अच्छी तरह खुश्क कर लेना है। यहाँ पे ऐड करेंगे नमक, टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और साथ ही यहाँ पे इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, इससे टेस्ट और खुशबू बहुत ही मज़े की आएगी। 1 चम्मच भर के ऐड कर देंगे कुछ धनिया पाउडर। अब यहाँ पे आपने अच्छी तरह की तरह मिक्सिंग कर देनी है और इसका पानी खुश्क होने देना है आपने। यहाँ पर ऐड कर देंगे 4 साबुत मिर्चें, इनकी खुशबू टेस्ट बहुत ही प्यारा आएगा। और इसको मज़ीद कुछ खुशबूदार बनाने के लिए, फ्रेश बनाने के लिए कटा हुआ बिल्कुल बारीक धनिया ऐड कर देंगे। अब ये बनके हमारी मिट्टी की हांडी में बिल्कुल तैयार है। कढ़ाई तो मिलते हैं फाइनल लुक में। तो माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, देख सकते हैं हमारी कितनी ही ज़बरदस्त कढ़ाई तैयार हुई है मिट्टी की हांडी में। मैंने तकरीबन 5 मिनट पहले चूल्हे से इसको उतार लिया था, अभी तक आप देखें ये पक रही है, क्योंकि मिट्टी की हांडी में ज़्यादा देर तक इसको हीट मिलती है। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।